रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर, मदमहेश्वर रास्ते पर टूटा पुल। भारी बारिश के बाद मदमहेश्वर में फंसे यात्री, लोगों की अटकी सांसें। मुसीबत के बीच देवदूत बनकर उतरे एसडीआरएफ के जवान, हेलीकॉप्टर से किया लोगों का रेस्क्यू। देवभूमि में जुलाई वाला जल सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और दरकते पहाड़ों ने उत्तराखंड वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी जैसे जिलों में बारिश ने कहर ढाया हुआ है, तो वहीं भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग जिले में मदमहेश्वर के पैदल रास्ते पर एक पुल बह गया। पुल के टूटने के बाद ट्रैक पर गए लोग वहां फंस गए। इस बीच एसडीआरएफ को सूचना मिलते ही हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया और एसडीआरएफ के जवानों ने 106 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 8958757335 और 013-64233727 जारी किया। वहीं ट्रैक पर फंसे पर्यटकों में यूपी, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना के पर्यटक शामिल थे, जिन्होंने एसडीआरएफ के जवानों का आभार जताया। थैंक यू सो मच फॉर द रेस्क्यू। अगर आप नहीं होते तो हमारा रेस्क्यू भी नहीं होता। चार पांच दिन से फिर फंसे ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल टूट गया है। वो कल हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, हम मदमहेश्वर और गए थे कल। आज हम नीचे उतरे, हमें पता चला गोंदार का पुल टूट गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एकदम आज ही हेलीपैड की फैसिलिटी मिली है कि आप नीचे आइए। बस यहाँ पे कौन सी जगह है, ये नानू पे आइए और नानू से आपको हेलीपैड मिलेगा, वो आपको नीचे सेफली पहुँचा देगा। तो हम गवर्नमेंट का थैंक यू बोलना चाहेंगे। इसलिए सुबह ही हमको मालूम पड़ा कि वो जो गोंडा का जो पुल है, पैदल पुल, वो टूट गया है और हमको लगा कि हम लोग का रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ही जल्दी कार्रवाई हुई, हमको हेलीकॉप्टर से लाया गया यहाँ पे और हमको पता भी चला इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गुरुवार रात हुई जोरदार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर ट्रैक पर पुल टूटकर पानी में समा गया। इस दौरान पुल के दूसरी ओर यात्री फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आज सूचना मिली कि हमारा जो मदमहेश्वर जो ट्रैक है, वहां पर गोंडार के समीप जो हमारा पैदल पुलिया था लकड़ी का, वो तो बह गया है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जितने भी यात्री थे अथवा जो लोकल थे, वहां पर लगभग 150 की संख्या में फंसे हुए हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर हमारी पूरे प्रशासन की टीम एसडीआरएफ, डीडीआरएफ वहां पर मौके पर चली गई है, प्रशासनिक टीम भी चली गई है और जितने भी यात्री वहां पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय की निगरानी में वहां पर रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर दिया गया है और वहां पर अल्टरनेटिव जो राशि है वहां पर एक वैकल्पिक हेलीपैड बना दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पूरे प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मदमहेश्वर घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मोरखंडा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग में भी मौसम का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। प्रशासन की टीमें स्थानीय लोगों की हिफाजत करने में जुटी हैं। हालांकि मौसम का ये मिजाज स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।